जनपद में हो रही विटामिन सी दवा की कालाबाजारी पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि सूचना मिली है कि विटामिन सी की गोलियों को दुगने दाम पर बेचा जा रहा है, जिसको देखते हुए ड्रग इंस्पेक्टर को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि किसी भी दवाओं का ओवररेटिंग ना किया जाए, अगर कालाबाजारी करते हुए कोई भी दुकानदार पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रशासन का कोई भी व्यक्ति दुकान पर पहुंचकर दवा के रेटों का जांच करेगा और अगर ओवर रेटिंग की शिकायत मिलती है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए कुछ अभी सूत्रों से पता चला है कि विटामिन सी की गोलियां जो है वो निर्धारित दामों से ज़्यादा उस पर बेची जा रही हैं, तो ड्रग इंस्पेक्टर को तत्काल बोल दिया गया कि इसकी जांच करें और किसी कंडीशन में ज़्यादा रेट पे बिक्री नहीं होगी किसी भी दवा की, और अगर कोई भी काला बाजारी या ओवर रेटिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू इसकी जाँच कराई जा रही है, हम लोग भी रैंडमली छापा मारते रहेंगे और किसी थर्ड पर्सन थ्रू भी छापा मरवाया जाएगा, और प्रशासन का कोई आदमी भी किसी दुकान पर जाके ये सामान क्रय कर सकता है। अगर कहीं से भी कोई शिकायत मिलती है, कोई भी दुकानदार इसका अगर इस तरह की मजबूरी का फायदा उठा के अगर सामानों को रखा है उसकी ज़्यादा दाम पे बेच रहा है, तो ये बहुत ही गंभीर अपराध है और इस पर इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं और अगर कहीं भी कोई केस पकड़ा जाता है तो उनको तत्काल कार्रवाई करेगी।